नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आई नजर डालते हैं खबर की ओर। खरौंदी प्रखंड अंतर्गत तोरेलावा में लगातार भारी वर्षा होने से डोमनी नदी का पुल हुआ ध्वस्त। खरौंदी से संवाददाता विजय कुमार साहू की रिपोर्ट। गौरतलब हो कि खरौंदी थाना क्षेत्र के तोरेलावा में लगातार भारी वर्षा होने के कारण डोमनी नदी का पुल ध्वस्त हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि डोमनी नदी पर दो बार पुल का निर्माण कराया गया, लेकिन एक बार भी कामयाब नहीं हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार द्वारा यह पुल का अधिक राशि का टेंडर कराकर सभी जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से कार्य को सही ढंग से नहीं किया जाता। ग्रामीणों का कहना है कि पुल जब बनता है तो एक साल से ज्यादा नहीं चलता। जब बारिश का मौसम आता है तो हर वर्ष नदी का तेज बहाव आने से पुल क्षतिग्रस्त हो जाता। हम सभी ग्रामीण नदी उस पार जाने से वंचित रह जाते हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के घर में बीमारी हो जाए वह व्यक्ति इलाज कराने से वंचित रह जाएगा। इसलिए स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि हम लोगों का नदी से उस पर जाने के लिए बांस का खंभा गाड़ कर और उसी के सहारे से एवं लकड़ी का पुल बनाकर आवागमन करते हैं। साथ ही साथ ग्रामीणों ने बताया कि हर बरसात के मौसम में हम सभी को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। समाज सेवी एवं पूर्व मुखिया रामनाथ मेहता के निजी खर्च से या लकड़ी का पुल हर बरसात में समाज सेवी रामनाथ मेहता के द्वारा बनवाया जाता और हम लोग उसी पुल के सहारे से सभी ग्रामीण आवागमन करते हैं। मौके पर उपस्थित समाज सेवी सह पूर्व मुखिया रामनाथ मेहता ने बताया कि यह पुल का निर्माण दो बार करवाया गया। यहाँ के जन प्रतिनिधियों द्वारा पुल का राशि गलत उपयोग करने का कारण है कि यह पुल हर वर्ष टूट जाता है। जो डोमनी नदी में पुल जो दो दो बार बना ध्वस्त हो गया और यहाँ का ग्रामीणों का जो कहना है कि भूतपूर्व मुखिया रामनाथ मेहता के द्वारा जो है हम लोग को साधन सुविधा दिया जाता है, इसके बदौलत हम लोग जो है नदी को पार उस पार करते हैं, तो इसमें जो है आप यहाँ के ग्रामीणों को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि यह डोमनी नदी पार होने के बाद एगो गांव बराबर कटा रहता है बरसात के दिन में जी। हमने सामाजिक रूप से सब जगह सहयोग करते हैं, इसलिए मुखिया के द्वारा जी एक बार अगर बनाया जाता 5 लाख रुपया का तो कुछ ठहराव होता, लेकिन पैसा कमाने के ख्याल से दो दो बार इसमें अढ़ाई लाख रुपया 5 लाख रुपया खर्च हुआ जी, दो जी, साल जी। एकदम जीरो पॉइंट पर रहा उसका जी। जब मैंने आया तो ग्रामीण लोग बोले कि यह बना था और तुरंत खत्म हो गया, तो मैंने जो अपने हिसाब से एक बार उसमें मिट्टी डलवाए पूरा भर करके जेसीबी से, दोबारा साल बना वो भी खत्म हो गया, तो मैंने 500 ट्रिप जो है मेटल डलवाया जी, जी। अभी तत्काल में गया था, अभी तजिया का समय है परसों दिन, तो कुछ ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग को तजिया कैसे पार होगा, तो मैंने एक साधारण अभी तत्काल के लिए एक टटर देखे होंगे बिछावाए हुए हैं, जबकि ग्रामीण के आने जाने का सुविधा हो। और मैं यही निवेदन करता हूं सरकार के द्वारा कि जब तक पुल नहीं बनेगा हर साल बरसात में एक गांव जो है पूरा बराबर के लिए कटा हुआ रहता है, कोई मरनी हरनी भी हो जाए तो वहाँ पर कोई आने जाने के लिए नहीं आ जा पाता। अभी एक तत्काल में नदी आया हुआ था, एक धर्मजीत सिंह बूढ़ा आदमी मर गए, उसके बाद इस पार का लोग उनके के यहाँ दाह संस्कार और भोज भात में भी नहीं गए। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जब भी हो सके इस गांव अधूरा रह जाता है, इसमें पुल का निर्माण कराने का आपका परिचय सर? मेरा नाम है डॉक्टर रामनाथ मेहता, समाज सेवी, मेरा घर हुआ गटेरवा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बोलिए क्या समस्या है? समस्या इस पार से उस पार आने जाने में बहुत कठिनाई हो रहा है नदी के चलते। अच्छा अच्छा। जो कि पहले शिव कुमार यादव मुखिया थे। अच्छा। और इसको दो बार बनवाए अपने रिजियम में। अच्छा। दोनों बार यह ध्वस्त हो गया, टूट गया। अच्छा। और आने जाने में बहुत कठिनाई हो रहा है, जबकि इसमें मैंने 5 लाख से ऊपर खर्च हो गया है, फिर भी यह कोई लायक के नहीं हुआ। और इसके टूटने के बाद वही भूतपूर्व मुखिया डॉक्टर साहब अच्छा रामनाथ मेहता जी अच्छा
नहीं, अपने मैंने मरम्मत से अपने बल से गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर ला करके, मतलब अपने निजी खर्च से, अपना निजी खर्च से अच्छा। इसको मैंने बनवाते हैं छठ से पहले अच्छा। और फिर आवागमन वह शुरू होता है अच्छा। गाड़ी घोड़ा फिर कुछ समय आता है, फिर नदी आने के बाद फिर जो कहते हैं ध्वस्त हो जाता है अच्छा। फूल, फूल मतलब जो मतलब बनवाया जा रहा है, मतलब जो सरकार के मतलब जो इसमें खर्च लग रहा है सही उपयोग नहीं हो रहा है ना, सही उपयोग नहीं हुआ अच्छा। ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि इसमें अगर पुल मिल जाए सरकारी तो ठीक होगा, ताकि आदमी के आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगा हर समय के लिए। अच्छा, आपका शुभ नाम? शहीद अंसारी है। घर? तोरे लवा टोला से मरवा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए क्या समस्या है? ये पुल के समस्या है, उस पार से इस पार आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है अच्छा। ये दो बार बना, दोनों बार बिना कामयाब हो गया अच्छा। फिर रामनाथ मुखिया आए, भूतपूर्व मुखिया, वो मरम्मत करवाए इसको। हर साल छठ के पहले मरम्मत होता है अच्छा। अब आषाढ़ आते ले सब बह के चल जाता है नदी में अच्छा। अभी टटरा का व्यवस्था हुआ है, 5 के 40 से बना के अच्छा। उसी से तजिया चाहे हम लोग उस पार से इस पार अच्छा। खेत बाड़ी पर आ सकते हैं, जा सकते हैं, नहीं तो इससे बाधिक है हम लोग अच्छा। मतलब उसी के द्वारा हाँ, जो है मतलब हाँ, बांस के हाँ, बलि के द्वारा जो बनाया गया है उसी के मतलब द्वारा जो है आप लोग आवागमन कर रहे हैं। गाड़ी घोड़ा के साधन नहीं है जाने के लिए, उस पार के खेती वाले सब लोग परेशान है। इसमें पुल का निर्माण होना बहुत जरूरी है, हम लोग उसी से परेशान हैं कि भाई जाए जाए किसे, इसमें कितना बार बैल मर गया, आदमी फंस के मर गए, बह गए मान लीजिए अच्छा। हाँ, इसी यही परेशानी है अच्छा। जो दो दो बार पुल इसमें बनवाया गया, इसके मतलब पुल ठीक से नहीं बनवाया गया ना भाई? ठीक से नहीं बनवाया गया, छोटा मोटा बना, बाढ़ आया सब नोच चोत के ले गया, अंदर माटी भरा गया। आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कम से कम इसमें पुल हो जाए तो दरपुसत काम दे अच्छा। सब आदमी का आवागमन बराबर रहे अच्छा। उस पार आदमी जो मर गए उस पार वो जा नहीं पाएगा, दाह संस्कार करने के भी कोई नहीं गया, उसके घर देखने भी कोई नहीं जा पाया, चाहे मुखिया हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे गांव घर के हो, उस पार के आदमी उसी पार हैं, हम लोग इस पार के आदमी इसी पार रह रहे हैं, यही परेशानी है यहाँ अच्छा। आपका शुभ नाम? संजय कुमार श्रीवास्तव, तोरे लवा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।